आप ऐसे बताएं कि ये जो जो वाक्य हुआ है वकीलों और पुलिस के बीच में जो झड़प का है या कोई पर्चा दर्ज का है, ये जो मसला था ये पूर्व पैक्स के चेयरमैन त्रिलोक सिंह और पुलिस के बीच में था, ऐसा क्या एकदम विमोड़ आ चुका जिसके अंदर सभी बार को इसके अंदर स्पेक्स करना पड़ा? ठीक जी, आपका क्वेश्चन इसमें ऐसा है जी, त्रिलोक सिंह और हमारे बार के मेंबर बलकार सिंह जी एडवोकेट भाई हैं, सगे भाई हैं और इनकी ज्वाइंट फैमिली इकट्ठा परिवार है। तो त्रिलोक सिंह जी बड़े मौजूद आदमी हैं, कोई ऐसा नहीं था भी उनको बड़े बड़े बल पुलिस बल से उठा के जाना वाला, और इसलिए वो जो पुलिस वाले हैं वो बड़े इलीगल तरीके से आए, बिना वर्दी के आए। तो बलकार सिंह जी ने कहा भी मैं एडवोकेट हूँ, मेरे भाई हैं, मौजूद आदमी हैं, मैं कल इनको खुद पेश कर दूंगा। उन्होंने एक नहीं मानी, उनको भी धक्के मारे और उनके फैमिली को, उनके बच्चों को भी उन्होंने चोटे तक मारी, बेइज्जती की, कोई लेडी पुलिस साथ नहीं थी। तो इस पर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया भी धक्का कर रहे हैं एज ए प्रधान, तो मैंने SHO रानिया को फ़ोन किया भी मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, वो मौजूद आदमी है गाँव के और वकील का घर है, अगर वो नहीं होते तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, बेकरता मान आप धक्का ना करो। पर पुलिस ने एक नहीं मानी, उल्टा प्रधान के इस फोन पे जिम्मेवारी लेने पे उल्टा मेरे पे भी पर्चा कर दिया। तो ये कार्य निंदनीय, इसलिए ये बार का वो जो ये सारा जो उन्होंने गुंडागर्दी की है पुलिस ने, इसलिए बार को इंटरफेयर करना पड़ा। जब बार को एक वकील के खिलाफ पर्चा हो गया और बार के प्रधान के खिलाफ पर्चा, इसलिए एक जो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है अगर वह बार काउंसिल पंजाब ने हरियाणा से बात चल रही है, आज अर्जेंट कॉल मीटिंग की गई, हाँ चल रही है, और उसमें निर्णय लिया जाएगा, जो भी हमारी बार काउंसिल पंजाब ने हरियाणा फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। पुलिस में सुपीरिटी और इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया और वो ऐसा समझते हो कि वकील हमारे से इन्फीरियर है और हम उनसे सुपीरियर है, ऐसा कोई आपको लगता है कि पुलिस इसलिए झूठे आप पे केस बना रही हो? देखो ये पहले भी होता है रहता है, पुलिस हमेशा ही दबा के चलती है, पुलिस अपनी पावरों का नजायज पैदा करके कई बार गुंडागर्दी करना शुरू कर देती है, पर हम वकील हैं, हम कानून को जानते हैं, हम गलत नहीं होने देंगे किसी के साथ। और बार पे के प्रधान पे पर्चा होना मतलब पूरी बार पे पर्चा है, लेकिन हम डटकर विरोध करेंगे जिसने गुंडागर्दी की है, जो क्यूईडी इसमें जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज भी कर दिया पुलिस ने, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उसको अरेस्ट करवा के छोड़ेंगे। और जब तक हमारे खिलाफ जो FIR गलत दर्ज की है पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी, जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाती, उसको अरेस्ट नहीं, उसको सस्पेंड नहीं करते, हम नहीं बैठेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि बार के प्रधान के खिलाफ पुलिस ने ये पर्चा दर्ज क्यों किया? वो तो पता ही, इसलिए प्रेशर बनाने के लिए, जब बार के प्रधान के अपने आप कहेंगे जी आप हमारा पर्चा आपका पर्चा खारिज कर दो, हम आपका करते, सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए भी ये दब जाएंगे और कंप्रोमाइज हो जाएगा। पर ऐसा कोई नहीं है, इनका जो इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मेरे को चाहे मेरे पे जो मर्जी कर ले, मैं अपनी वकीलों की आवाज नहीं दबने दूंगा, चाहे मेरे को अरेस्ट कर लें, पर इनका खिलाफ जो इसने गुंडागर्दी की है उसको 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 सजा दिलवा के छोड़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।